Hello everyone, today we are coming back with our lecture number 13 of this series. Okay, so इसमें हम लोग क्या देखने वाले हैं, सॉफ्टवेयर कंट्रोल असिंक्रोनस सीरियल इनपुट आउटपुट. और एक टॉपिक हमारा बाकी था, वो था स्टैंडर्ड्स इन सीरियल इनपुट आउटपुट. ओके, जो स्टैंडर्ड्स थे वो हमें देखने थे, तो वो भी अभी हम लोग पहले वो देखते हैं, स्टैंडर्ड्स इन सीरियल इनपुट आउटपुट, और उसके बाद फिर ये टॉपिक देंगे सीरियल कंट्रोल सॉफ्टवेयर कंट्रोल असिंक्रोनस सीरियल इनपुट आउटपुट. ओके, तो वो पहले देखते हैं. फर्स्ट साइड दैट इज स्टैंडर्ड्स इन सीरियल इनपुट आउटपुट. तो कौन से स्टैंडर्ड्स यहाँ पे यूज़ किए जाते हैं. ओके, सीरियल इनपुट आउटपुट टेक्निक हमने देख लिया था. फिर जो हमें क्यों यूज़ किए जाते हैं ये एक्चुअल में, तो इंटरफेसिंग के लिए, टर्मिनल इंटरफेस, प्रिंटर इंटरफेस के लिए, मॉडेम इंटरफेस करने के लिए. देन दिस पेरिफेरल्स कंप्यूटर्स. तो यहाँ पे ये टर्मिनल्स, प्रिंटर्स और मॉडेम्स को वो इंटरफेस करने के लिए यहाँ पे ये हम यूज़ करते हैं मैक्सिमम स्टैंडर्ड्स हमारे जो रहेंगे वो. देखो, दिस पेरिफेरल्स एंड कंप्यूटर्स आर डिजाइन एंड मैन्युफैक्चर्ड बाय वेरियस मैन्युफैक्चरर्स. अलग अलग मैन्युफैक्चरर्स इसको इन स्टैंडर्ड्स को बनाते हैं. तो देखो, पहले जो स्टैंडर्ड्स है वो क्या है, कॉमन अंडरस्टैंडिंग मस्ट एग्जिस्ट वेरियस मैन्युफैक्चरिंग एंड यूजर ग्रुप्स दैट कैन इंश्योर कंपेटिबिलिटी अमॉन्ग डिफरेंट इक्विपमेंट. देन नेक्स्ट है, देखो, व्हेन दिस अंडरस्टैंडिंग इज डिफाइंड एंड जनरली एक्सेप्टेड इन इंडस्ट्री. इंडस्ट्री में जब इसको एक्सेप्ट किया जाता है तब उसको स्टैंडर्ड बोलते हैं. ओके, कि पर्टिकुलर स्टैंडर्ड्स ऐसे बनाए जाते हैं कि बस ये जो मटेरियल है हमारे, जो सिग्नल्स, ये जो हमारे, तो इसमें इतना होना ही चाहिए, इसका बॉड रेट इतना होना चाहिए, इसका ये चीज़ इतना होना चाहिए, इसे स्टैंडर्ड्स लेते हैं. तो अ स्टैंडर्ड इज नॉर्मली डिफाइंड बाय प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन सच एज IEEE. एक प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है IEEE, इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग. ओके, इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स. ओके, इसको बोलते हैं. हाउएवर, ओकेशनली अ वाइड स्प्रेड प्रैक्टिस कैन बिकम अ डी फैक्टो स्टैंडर्ड्स. ओके, इस तरह के स्टैंडर्ड रहते हैं. स्टैंडर्ड में इंक्लूड सच आइटम्स एज असाइनमेंट ऑफ पिन पोजिशंस फॉर सिग्नल्स. सिग्नल्स के लिए कौन सी पिन पोजिशन है उसके भी स्टैंडर्ड्स रहते हैं. वोल्टेज लेवल्स, देन स्पीड ऑफ डेटा ट्रांसफर, लेंथ ऑफ केबल्स रहती है, एंड मैकेनिकल स्पेसिफिकेशन. ये सबके एक स्पेशल स्टैंडर्ड्स रहते. देन इन सीरियल इनपुट आउटपुट डेटा कैन इन डेटा कैन बी ट्रांसमिटेड एज आइदर करंट और वोल्टेज. ओके, दोनों में से ये डेटा ट्रांसफर हो सकता है, या फिर करंट हो सकता है, या फिर वोल्टेज हो सकता है. देन टिपिकली 20 मिली एम्पियर और 60 मिली एम्पियर डेटा यहाँ पे ट्रांसमिट होता है. करंट लूप्स आर यूज इन टेलीटाइप इक्विपमेंट. टेलीटाइप जो इक्विपमेंट्स रहते हैं उसमें करंट लूप्स यहाँ पे यूज होते हैं. व्हेन अ टेलीटाइप इज मार्किंग और एट लॉजिक वन, जब हम लॉजिक वन पे रहता है, देन करंट फ्लोज होना चालू हो जाता है. व्हेन इट इज एट लॉजिक जीरो और स्पेस, द करंट फ्लो इज इंटरप्टेड. जीरो पे जो करंट वहाँ पे फ्लो होना यहाँ पे स्टॉप हो जाता है. ठीक है, देन नेक्स्ट क्या है, एडवांटेज ऑफ द करंट लूप मेंशन इन दैट सिग्नल्स आर रिलेटिवली नॉइज फ्री एंड आर सुटेबल फॉर ट्रांसमिशन ओवर ए डिस्टेंस. देन नेक्स्ट क्या है, when data are transmitted as a voltage, the commonly used standard is known as RS-232. तो ये पिन जो है RS-232C. ओके, जिसमें 25 पिन्स रहेंगे. ओके, उससे डेटा ट्रांसमिट होता है और स्टैंडर्ड इसी को माना जाता है. ओके, ट्रांसमिशन के लिए ही यूज होती है RS-232C. देन नेक्स्ट क्या है, इट इज़ डिफाइंड इन रेफरेंस टू डेटा टर्मिनल इक्विपमेंट DT. एक डिफाइन किया जाता है डेटा टर्मिनल इक्विपमेंट या फिर डेटा कम्युनिकेशन इक्विपमेंट. ये दो स्टैंडर्ड्स से ये रेफरेंस है इसके. ओके, एंड मॉडेम. तो यहाँ पे देखो, इस फिगर में दिखाया गया है कैसे, देखो डेटा टर्मिनल इक्विपमेंट यहाँ पे फर्स्ट पे और डेटा कम्युनिकेशन इक्विपमेंट यहाँ पे DCE पे दिखा है, और बीच में देखो यहाँ पे सब ये NAND गेट यहाँ पे यूज़ किए गए. ओके, और ये बीच में ये केबल है RS-232C. ओके, इसके थ्रू ये ट्रांसमिट हो रहा है, पूरा ट्रांसमिशन और रिसीवर ये पूरा इससे ही हो रहा है, RS-232C केबल से. हाउएवर, इट्स वोल्टेज लेवल्स आर नॉट कंपेटिबल विथ TTL लॉजिक लेवल्स. TTL लॉजिक जो है हमारा ट्रांजिस्टर लॉजिक लेवल्स, उस लॉजिक लेवल के साथ वो कंपेटिबल नहीं है. ओके, और द रेट ऑफ डेटा ट्रांसमिशन इज इन RS-232C इज रिस्ट्रिक्टेड टू अ मैक्सिमम ऑफ 20 किलो बॉड एंड ए डिस्टेंस ऑफ 50 फीट. तो उसका यहाँ पे ये रेट भी बताया गया है कि कितना रेट होना चाहिए मैक्सिमम. देन फॉर हाई स्पीड डेटा ट्रांसमिशन टू न्यू स्टैंडर्ड्स RS-422A
एंड RS-423A हैव बीन डेवलप्ड इन रिसेंट ईयर्स, हैवर दे आर नॉट एट वाइड। ओके, तो कुछ रिसेंट ईयर्स में अभी और दो स्टैंडर्ड्स भी आ चुके हैं, दैट इज RS-422A एंड 423A भी आ गए। ओके, वो भी दिया है। देन नेक्स्ट क्या है, टू अप्रिशिएट द डिफिकल्टीज एंड कन्फ्यूजन इन दिस स्टैंडर्ड्स वन हैज़ टू एग्जामिन इट्स हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। तो हमें उसके एक्सरसाइज बैकग्राउंड भी देखना पड़ेगा। तो वो क्या है, देखो, RS-232 स्टैंडर्ड वॉज डेवलप ड्यूरिंग द इनिशियल डेज ऑफ कंप्यूटर टाइम शेयरिंग। ओके, जब नए नए कंप्यूटर्स आए थे तभी ये RS-232 बना था, लॉन्ग बिफोर द एग्जिस्टेंस ऑफ TTL लॉजिक। तो TTL लॉजिक आने से पहले ही था, एंड इट्स प्राइमरी फोकस वॉज टू हैव कंपेटिबिलिटी बिटवीन अ टर्मिनल एंड मोडेम, मतलब जहाँ से कंप्यूटर्स के टर्मिनल से जहाँ से निकल रहा है वो, और मोडेम, इन दोनों के बीच का बीच में कंपेटिबिलिटी बढ़ाने का काम RS-232 का था। हाउएवर द सेम स्टैंडर्ड इज नाउ बीइंग यूज्ड फॉर कम्युनिकेशंस बिटवीन कंप्यूटर्स एंड पेरिफेरल्स। अभी हम जब कंप्यूटर और जो अदर डिवाइसेस है आउटपुट डिवाइसेस उसमें जब कम्युनिकेशन करते हैं तभी हमें सेम स्टैंडर्ड यूज़ करते हैं। एंड द रोल्स ऑफ ए डेटा टर्मिनल एंड ए मॉडेम हैव बिकम एम्बिग्यूस। ओके, तो एम्बिग्यूस ये मतलब सेम है। ओके, इन दोनों का रूल्स भी। देन दिस शुड अ कंप्यूटर बी कंसिडर अ टर्मिनल और मॉडेम। तो मतलब हमने बोला है कि ये कंप्यूटर है उसको हम टर्मिनल या मॉडेम क्या कंसिडर करें। द आंसर इज दैट इट कैन बी आइदर, मतलब कुछ भी हो सकता है ऐसे बताए कि देयर फॉर द लाइन्स यूज फॉर ट्रांसमिशन एंड रिसेप्शन विल डिफर डिपेंडिंग ऑन द मैन्युफैक्चरर्स रोल डेफिनेशन ऑफ इट्स इक्विपमेंट। मीन्स मैन्युफैक्चरर क्या चाहता है, ओके, उस हिसाब से उसका रोल फिक्स होगा। नेक्स्ट क्या है, RS-232C। तो एक उसकी फिगर दी गई है जिसमें 25 पिन कनेक्टर है, उसी को हम RS-232C बोलते हैं। वो डायग्राम यहाँ पे मैंने आगे इंक्लूड किया है। देखो ये इसमें देखो 25 पिन से टोटल, 1 से लेके 25 पिन, हर एक पिन्स का यहाँ पे अपना है। देखो ये ग्राउंड के लिए है, ये STD का काम कर रहा है सेकेंडरी ट्रांसमिटेड डेटा के लिए, DC यहाँ पे देखो डेटा टर्मिनल रेडी। ओके, 20 नंबर का पिन है वो, इस तरह से। फिर RX-TX है, TX एक्चुअल में ट्रांसमिशन के लिए रहता है, DC से ट्रांसमिट होता है। देन रिसीवर देखो यहाँ पे RX-D रहता है। ओके, इस तरह से ये सब पिन्स है कम्प्लीटली, ये 25 पिन का पैकेज रहता है पूरा। ओके, RS-232, तो यहाँ पे देखेंगे नेक्स्ट। देखो यहाँ पे क्या क्या है, दी सिग्नल्स आर डिवाइडेड इंटू 4 ग्रुप्स, डेटा सिग्नल्स, कंट्रोल सिग्नल्स, टाइमिंग सिग्नल्स, ग्राउंड। हमने देखा, देखो यहाँ पे ये सिग्नल से वो डेटा सिग्नल्स में भी कन्वर्ट हो रहे हैं, कुछ टाइमिंग के लिए भी यूज़ हो रहे हैं। ओके, इस तरह से, क्योंकि कुछ ग्राउंडिंग के लिए, ये देखो ग्राउंड है, ये भी ग्राउंड है। ओके, इस तरह से ये डिवाइड हुए हुए। ओके, देन फॉर डेटा लाइंस द वोल्टेज लेवल +3 वोल्ट to 15 वोल्ट इज डिफाइंड एज Logic 0, फ्रॉम -3 वोल्ट to -15 वोल्ट इज डिफाइंड एज Logic 1। नॉर्मली वोल्टेज लेवल्स आर +or -12 वोल्ट, ऐसा वोल्टेज लेवल्स की यहाँ पे दिए हुए, निगेटिव ट्रू लॉजिक। ओके, नेक्स्ट क्या है, यही दिया गया है। देखो ये RS-230 का जो डायग्राम दिया था वो एक्सप्लेन किया गया यहाँ पे। तो पहला तो यहाँ पे DT है, यहाँ पे DC है, वो क्या है, डेटा टर्मिनल इक्विपमेंट है यहाँ पे यहाँ पे। तो इन्होंने क्या बताया, अदर सिग्नल्स कंट्रोल एंड टाइमिंग आर कंपेटिबल विथ TTL, वो TTL लेवल से कंपेटिबल है। और जो हमारा ये RS-230 वो इतना कंपेटिबल नहीं, तो बिकॉज ऑफ इनकम्पेटिबिलिटी ऑफ द डेटा लाइन्स विद द TTL लॉजिक, वोल्टेज ट्रांसलेटर्स क्वालिटी ड्राइवर्स आर एंड लाइन रिसीवर्स वहाँ पे यूज़ हो रहे कहीं। ओके, हमने इंटरफेस किए विथ RS-232 सिग्नल्स, द लाइन ड्राइवर MC-1488, तो ये ड्राइवर है देखो MC-1488, वो TTL के साथ ये कंपेटिबल नहीं थे इसलिए वो यूज़ किया गया, ड्राइवर्स यूज़ किए गए। देन कन्वर्ट्स Logic 1 into approximately -9 वोल्ट, वो -9 वोल्ट में कन्वर्ट करता है, एंड Logic 0 into +9 वोल्ट में वो कन्वर्ट करते हैं। ओके, वो काम है। देन नेक्स्ट उस सेकेंड जो पॉइंट है वो क्या है, बिफोर इट इज रिसीव्ड बाय द DC, DC में आने से पहले क्या होता है, कन्वर्ट होता है लाइन रिसीवर से। ओके, मीन्स MC-1489 है उससे वो पहले कन्वर्ट होता है रिसीवर पे आने से पहले। ओके, एंड देन TTL कंपेटिबल लॉजिक। ओके, दिस रेजेस द क्वेश्चन, फिर उसके बाद हमें क्वेश्चंस आ सकता है कि इफ़ द रिसीव्ड सिग्नल इज टू बी कन्वर्टेड बैक टू द TTL लेवल, व्हाट इज़ द रीज़न इन द फर्स्ट प्लेस टू कन्वर्ट द ट्रांसमिटेड सिग्नल टू द हायर लेवल। अगर वो रिसीव सिग्नल है वो अगर कन्वर्ट हो रहा है TTL लेवल में, तो फिर ऐसा क्या चीज़ है कि जिसकी वजह से फर्स्ट प्लेस पे आ रहा है कन्वर्ट होके, ओके, सिग्नल टू हायर लेवल में जाने के लिए। द प्राइमरी रीज़न इज दैट
स्टैंडर्ड वॉज डिफाइंड बिफोर द टीयर लेवल्स केम इनटू एग्जिस्टेंस। बिफोर 1960 मोस्ट इक्विपमेंट वॉज डिजाइन टू हैंडल हायर वोल्टेजेस। द अदर रीजन दैट द सेकंड स्टैंडर्ड प्रोवाइड्स ए हायर लेवल ऑफ नॉइज फ्रॉम मींस हायर लेवल हमें वोल्टेज चाहिए इसलिए वहाँ पे वो यूज़ किए जाते थे -3 वोल्ट टू +3 वोल्ट। द मिनिमम इंटरफेस बिटवीन ए कंप्यूटर एंड ए पेरिफेरल रिक्वायर्स 3 लाइन्स पिंस 2, 3 एंड 7। ओके इस तरह के पिंस यहाँ पे RS-232 में यूज़ किए जाते थे। ठीक है यहाँ पे दिखाया गया देखो पिंस 2, 3, 7। दिस लाइन्स आर डिफाइंड इन रिलेशन टू द DTE। ओके दिस लाइन वो रिलेशन देखो DTE को कनेक्ट हो रहे तो उसके साथ वो और ट्रांसमिट्स ऑन पिन 2 एंड रिसीव्स ऑन पिन 3। पिन 2 पे ट्रांसमिट हो रहे पिन 3 पे रिसीव हो रहे। ओके ऑन द अदर हैंड द DCE ट्रांसमिट्स ऑन पिन 3 एंड रिसीव्स ऑन पिन 2। ओके पिन 3 पे ट्रांसमिट हो रहा है पिन 2 पे रिसीव हो रहा है। ओके DTE के लिए DCE के लिए इस तरह से रहेगा। बिग एग्जांपल दिया हुआ है द यूज़र मे कनेक्ट इट्स कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर टू अ सीरियल प्रिंटर कॉन्फिगर्ड एज ए DTE। ओके जब वो अपना कंप्यूटर रहता है सीरियल प्रिंटर को अगर कनेक्ट करता है तो DTE की तरह वो वर्क करेगा। therefore to remain compatible with the defined signals of the RS-232C the RS-232 cable must be configured as okay यहाँ पे जैसे दिखाया गया है उस तरह से वो होना चाहिए RS-232 cable find as a and microcomputer वो DTE से represent किया गया है and it can be connect to the modem defined as a CDC without any modification in the RS-232 cable। okay ये वो भी यहाँ पे दिखाया गया है। नेक्स्ट देखेंगे ये पिन डायग्राम तो हमने देख लिया। देखो यहाँ पे सब पिन से सेकेंडरी ट्रांसमिटेड डेटा बता रहा है ट्रांसमिशन सिग्नल एलिमेंट टाइमिंग। ओके DCE यहाँ पे सोर्स बता रहा है यहाँ पे DCE का देखो यहाँ पे भी एक सोर्स है वो रिसीवर का काम कर रहा है। सेकेंडरी रिसीव डेटा है अनअसाइंड है देन सेकेंडरी रिक्वेस्ट रिसीव सेंड है देन रिंग इंडिकेटर है ट्रांसमिट है। ओके ये सब है कुछ इसमें अनअसाइंड पिन्स भी है। ओके ना वो पिन्स यहाँ पे कंसिडर नहीं किए गए इस तरह से मीन्स उसको हम अलग से बाद में असाइन कर सकते हैं। ओके नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे बताया गया तो कि व्हेन इट इज़ कनेक्टेड टू द प्रिंटर द ट्रांसमिट एंड द रिसीव लाइंस मस्ट बी क्रॉस्ड एज शोन इन फिगर दिस इज नोन एज ए नल मॉडेम कनेक्शन। ओके तो मतलब क्या है जब वो प्रिंटर के साथ कनेक्ट होगा तब वो ट्रांसमिट एंड रिसीव लाइंस वो कैसे क्रॉस होती वो यहाँ पे दिया है। तो ट्रांसमिट डेटा के लिए TXD है वो एक्चुअल में क्या काम करता है ट्रांसमिशन का काम है देन रिसीव डेटा के लिए RXD है वो रिसीवर का काम करेगा। तो उस टाइम पे DTE की DCE से डेटा लेगा। ओके ना रिसीव करेगा देन रिक्वेस्ट टू सेंड मीन्स RTS का काम देन क्लियर टू सेंड ये कोई एक प्रोग्राम इसमें दिखाया गया है कि ये क्या जनरल पर्पस इनपुट टू DTE कैन बी यूज एज देन डेटा सेट रेडी मतलब जनरल पर्पस इनपुट टू DTE कैन बी यूज टू इंडिकेट द DCE इज रेडी। नेक्स्ट इज सिग्नल ग्राउंड। सिग्नल ग्राउंड कैसे है वो बताया गया आप मतलब ग्राउंडिंग का ही ये प्रोसेस है कॉमन रेफरेंस बिटवीन मतलब एक कॉमन रेफरेंस है DTE एंड DCE के बीच में। देन डेटा कैरियर डिटेक्ट मतलब क्या है जनरली यूज्ड बाय DTE टू डिसेबल डेटा रिसेप्शन मीन्स जो डेटा कैरियर डिटेक्ट मतलब जब पूरा डेटा आ जाएगा तो उसके बाद वो डिसेबल करना रिसीवर रिसीविंग की प्रोसेस डेटा ये करना। ओके देन डेटा टर्मिनल रेडी मीन्स आउटपुट जनरली यूज टू इंडिकेट दैट DTE इज रेडी। ओके तब डेटा टर्मिनल रेडी मतलब DTR यूज़ करते जब वो आउटपुट रेडी है तो। देन नेक्स्ट है टिपिकल डेटा ट्रांसमिशन विथ हैंडशेक रिक्वायर्स 8 लाइन्स वही ये सब 8 लाइन्स जो हमें बताए वो यही थी अभी जो अभी दिखे वो फंक्शंस ऑफ हैंडशेक लाइन्स डिफर इन डिफरेंट पेरिफेरल्स एंड देयरफॉर शुड बी रिफर टू एज द मैन्युफैक्चरर्स मैनुअल्स। ओके तो इसलिए मैन्युफैक्चर मैनुअल्स में रिफर करना पड़ता है। देन नेक्स्ट क्या है फॉर हाई स्पीड ट्रांसमिशन स्टैंडर्ड्स अलग स्टैंडर्ड्स दिए गए हाई स्पीड के लिए वो है RS-422A एंड RS-423A यूज। ओके ये स्टैंडर्ड यूज डिफरेंट शेल एम्पलीफायर्स टू रिजेक्ट नॉइज लेवल्स एंड कैन ट्रांसमिट डेटा एट हायर स्पीड विथ लॉन्गर केबल। देख ओके तो इससे वो हाई स्पीड डेटा जाता है। देन द RS-422A अलाउज ए मैक्सिमम स्पीड ऑफ 10 kilobaud फॉर ए 40 feet डिस्टेंस एंड ए 100 kilobaud फॉर 4000 feet। द RS-423A इज लिमिटेड टू 100 kilobaud फॉर ए 30 feet डिस्टेंस एंड 10 kilobaud फॉर 300 feet। ओके तो इस तरह से उसके डिस्टेंस बताएगी कितने बॉड का डेटा
मतलब कितना बॉड रेट होगा उस डेटा का और वो उसकी लेंथ कितनी होगी, ओके उस वायर की वो बताया गया उन्होंने, केबल की लेंथ कितनी होगी। वो अभी कंपैरिजन किया गया सीरियल इनपुट स्टैंडर्ड्स में, क्या क्या उसकी स्पीड कितनी होगी, डिस्टेंस कितना होगा, लॉजिक कौन से कितना होगा, मतलब कितना वोल्टेज लेता है वो। तो RS-232C का यहाँ पे बताया गया, RS-422 का यहाँ पे, और RS-433 का 23A का यहाँ पे बताया गया। ओके ऑल दिस थिंग्स हियर इज शोन इन दिस टेबल। देन नेक्स्ट देखते हैं रिव्यू देखते हैं, रिव्यू ऑफ सीरियल इनपुट आउटपुट कॉन्सेप्ट एंड अप्रोचेस टू इम्प्लीमेंटेशन। तो मतलब क्या क्या इसमें हमें देखा मिला, तो पहले देखो है द सीरियल डेटा ट्रांसमिशन कैन बी इम्प्लीमेंटेड थ्रू आइदर सॉफ्टवेयर और प्रोग्रामेबल इनपुट आउटपुट डिवाइस। मतलब सीरियल जो डेटा ट्रांसमिशन था वो हम सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग से हम कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर की और प्रोग्रामिंग डिवाइसेस से हम चेंज कर सकते हैं। देन कंसेप्चुअली द सॉफ्टवेयर एंड द हार्डवेयर अप्रोचेस आर सिमिलर। मतलब कंसेप्चुअली तो सिमिलर है, बट इन द असिंक्रोनस डेटा ट्रांसमिशन द स्टेप्स कैन बी समराइज एज फॉलोज। मतलब असिंक्रोनस में थोड़ा अलग रहेगा, इनफॉर्म द रिसीवर ऑफ द बिगिनिंग एंड द एंड ऑफ द ट्रांसमिशन एंड पैरिटी चेक। ओके ये सब था। देन कन्वर्ट अ पैरेलल वर्ड इनटू अ स्ट्रीम ऑफ सीरियल बिट्स। ओके तो ये कन्वर्ट करता है पैरेलल वर्ड्स को सीरियल बिट्स के स्ट्रीम में। देन ट्रांसमिट वन बिट एट अ टाइम विद अ अप्रोप्रिएट टाइम डिले। तो क्या करता है ये, वन बिट एट अ टाइम ट्रांसमिट करता है यूजिंग वन डेटा लाइन ऑफ एन आउटपुट पोर्ट। द टाइम डिले इज डिटरमाइंड बाय द स्पीड ऑफ द ट्रांसमिशन। तो टाइम डिले यहाँ पे बताता है उस स्पीड ट्रांसमिशन की स्पीड पे। देन इन डेटा रिसेप्शन द अबोव प्रोसेस इज रिवर्स्ड। डेटा रिसेप्शन में वो अलग रिवर्स में जाएगी प्रोसेस। फिर द रिसीवर नीड्स टू रिकॉग्नाइज द बिगिनिंग ऑफ द ट्रांसमिशन। ओके रिसीवर को ये रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा ट्रांसमिशन प्रोसेस को, बिगिनिंग को, जो बिगिनिंग होगी ट्रांसमिशन की उसको रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा, पहचानना पड़ेगा क्या है। देन रिसीवर सीरियल बिट्स वन एट अ टाइम। ओके जो सीरियल बिट्स होंगे उनको एट अ टाइम उसको रिसीव करना पड़ेगा, देन कन्वर्ट करना पड़ेगा पैरेलल बिट्स में। देन चेक फॉर एरर्स एंड रिकॉग्नाइज द एंड ऑफ ट्रांसमिशन। तो ये सब असिंक्रोनस डेटा ट्रांसमिशन में हो रहा था। ओके हमने सब देखा हुआ है। देन नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट स्लाइड जो है वो अभी हमारा स्टैंडर्ड्स हो गए, स्टैंडर्ड्स इन सीरियल इनपुट आउटपुट और RS-232 हमने देख लिया। अभी हमारा जो एक और एक टॉपिक है दैट इज सॉफ्टवेयर कंट्रोल असिंक्रोनस सीरियल इनपुट आउटपुट। तो हमें इस यूनिट में यही देखना है कि सॉफ्टवेयर कंट्रोल कैसे कैसे होते हैं सीरियल इनपुट आउटपुट में। तो देखो सॉफ्टवेयर कंट्रोल मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, असिंक्रोनस के लिए हम लोग देख रहे हैं, असिंक्रोनस मोड के लिए द प्रोग्राम शुड परफॉर्म द फॉलोइंग टास्क। तो इसमें प्रोग्राम आएगा वो कौन से टास्क परफॉर्म करेगा वो देखो। पहले आउटपुट अ स्टार्ट बिट, स्टार्ट बिट का आउटपुट आना चाहिए। देन कन्वर्ट द कैरेक्टर टू बी सेंट इन अ स्ट्रीम ऑफ सीरियल बिट्स विथ अप्रोप्रिएट डिले। तो क्या होगा, जो हमारे कैरेक्टर हो गए उसमें क्या होना चाहिए, सीरियल बिट्स आने चाहिए एक पर्टिकुलर डिले के साथ। देन क्या है, नेक्स्ट क्या है, एर ए पैरिटी इन्फॉर्मेशन इफ़ नेसेसरी। अगर पैरिटी इन्फॉर्मेशन ज़रूरी हो तो पैरिटी इन्फॉर्मेशन भी आनी चाहिए। देन आउटपुट वन और टू स्टॉप बिट्स मीन्स देन आउटपुट में एक या दो स्टॉप बिट्स भी आने चाहिए। तो इसके लिए कुछ फिगर्स होगी वो शो किए जाएंगे, एक्यूमुलेटर विद द कोड फॉर द ASCII कैरेक्टर जो हमने पहले भी देख लिए थे, वही जो लास्ट लेक्चर में हमने देखे होंगे ASCII कैरेक्टर्स ना, वही चीज़ है। इट इज़ कन्वर्टेड इनटू अ स्ट्रीम ऑफ 11 बिट्स, जो 11 बिट्स का था, 11 बिट्स मीन्स उसमें 8 जो थे वो हमारे ASCII कोड्स थे और देन स्टार्ट बिट था, स्टॉप बिट था, वन स्टार्ट बिट टू स्टॉप बिट्स उसमें वो थे। ओके ऐसा पूरा कंप्लीट मिलके वो 11 बिट्स का था। आफ्टर द स्टार्ट बिट द कैरेक्टर बिट्स आर ट्रांसमिटेड विद बिट D0। देखो D0 हमने ये पढ़ा हुआ है सब, इसमें कैन बी यूज एज एड पैरिटी इन्फॉर्मेशन। ओके बिट टाइम द डिले बिटवीन टू सक्सेसिव बिट्स, ट्रांसमिशन बॉड रेट। ओके शोज द ट्रांसमिशन विथ 1200 बॉड, ये भी हमने देखा था कि 0.83 मिलीसेकंड से उसमें ईच एंड एवरी बिट वहाँ से ट्रांसमिट होगा। देन डेटा रिसेप्शन इन द सीरियल मोड इन्वॉल्व्स द रिवर्स प्रोसेस, रिवर्स प्रोसेस होगी रिसीवर के लिए, हमने वो भी देखा था, रिसीविंग वन बिट एट अ टाइम। ओके एक टाइम पे एक ही बिट होगा एंड फॉर्मिंग एन 8 बिट पैरेलल वर्ड, फिर उसके बाद 8 बिट का एक पैरेलल वर्ड बन जाएगा। रिसीविंग प्रोग्राम शुड कंटिन्यू टू रीड द इनपुट पोर्ट अंटिल इट रिसीव्स द स्टार्ट बिट एंड देन बिगिन टू काउंट कैरेक्टर बिट्स विद अप्रोप्रिएट डिले। तो अब डिले के साथ एक एक वो बिट्स को काउंट करते जाएगा।
देन अभी नेक्स्ट देखते हैं, दैट इज सीरियल डेटा ट्रांसमिशन। तो सीरियली डेटा ट्रांसमिशन देखो यहाँ पे क्या है, एसके कैरेक्टर्स देखो, इट कैन बी एक्सप्लेन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ब्लॉक डायग्राम शोन। देखो यहाँ पे जो है ब्लॉक डायग्राम नीचे शो किया गया, व्हेन नो कैरेक्टर इज बीइंग ट्रांसमिटेड द ट्रांसमिट लाइन ऑफ एन आउटपुट पोर्ट स्टेज हाई। मतलब जो ट्रांसमिशन लाइन रहेगी यहाँ पे जो है आउटपुट पोर्ट में, वो कभी भी हाई रहेगी यहाँ पे। ओके, यहाँ पे दिखा गया, देखो ये लाइन से पूरी हाई रहेगी जब जब कुछ नहीं होगा, मतलब मार्किंग बोलते हैं उसको। ओके, उसी को जब हाई रहता है उसको मार्क पोजिशन बोलते हैं, मतलब वहाँ से कोई डेटा ट्रांसमिट नहीं होता। देखो यहाँ पे मार्क इसलिए लिखा गया क्योंकि डेटा ट्रांसमिट नहीं हो रहा है। तो नेक्स्ट क्या है, द ट्रांसमिशन बिगिंस विद द स्टार्ट बिट एक्टिव लो। तो पहले लो में जाएगा, लो मतलब देखो यहाँ पे दिखा है, शो दिया है नीचे नीचे के लिए लो, तो तभी वहाँ पे ट्रांसमिशन स्टार्ट होगा। तो द इनिशियलाइजेशन ब्लॉक ऑफ द फ्लो चार्ट इंक्लूड सेटिंग ऑफ अ काउंटर टू काउंट 8 कैरेक्टर बिट्स। ओके, तो वहाँ से 8 कैरेक्टर बिट्स पहले जाएंगे। स्टार्ट एंड स्टॉप बिट्स आर सेंट आउट सेपरेटली, तो असिंक्रोनस है इसलिए स्टार्ट एंड स्टॉप बिट्स अलग से भेजे जाएंगे। ओके, स्टार्ट तो हो गया, अभी स्टॉप के लिए फिर 2 बिट्स रहेंगे लास्ट में। तो प्रोग्राम्स वेट्स फॉर अ बिट टाइम 0.83 मिली सेकंड। तो 0.83 मिली सेकंड के बाद वो वहाँ पे एक एक बिट जाएगा। एंड बिगिंग्स टू सेंड 1 कैरेक्टर बिट एट अ टाइम ओवर द डेटा लाइन D0। D0 में पहला डेटा जाएगा एंड द इंटरवल ऑफ 0.83 मिली सेकंड। तो जैसे ही वो नेक्स्ट डेटा आएगा तो D0 का D1 में जाएगा, फिर ऐसे ऐसे पास हसन होते जाएंगे। तो नेक्स्ट क्या है, टू गेट रेडी फॉर द नेक्स्ट बिट द प्रोग्राम रोटेट्स द बिट्स फॉर एग्जाम्पल D1 इंटू D0। बोला ना, अभी D1 से फिर D0 में वो डेटा वो ये करेगा। ओके, मीन्स क्या आ जाएगा, D0 पे नया डेटा आ जाएगा। ओके, देन D1 पे चला जाएगा पहला वाला। इट रिपीट्स द लूप 8 टाइम्स एंड फाइनली सेंड्स आउट 2 स्टीव स्टॉप बिट्स। मीन्स 8 टाइम्स क्यों किया, क्योंकि 8 डेटा अगर चला गया उसके बाद वो क्या करेगा, 2 स्टॉप बिट्स को भेजेगा स्टॉप करने के लिए। अज्यूमिंग दैट द कैरेक्टर इज बींग सेंड आउट टू अ प्रिंटर, द प्रिंटर वेट्स अंटिल इट रिसीव्स ऑल द बिट्स सीरियली। ओके, मतलब अगर प्रिंटर को डेटा भेजता है तो प्रिंटर क्या करेगा, जब तक उसको सब डेटा नहीं मिलेगा तब तक वो वेट करेगा, उसके बाद वो एक कैरेक्टर फॉर्म करेगा एंड प्रिंट्स इट ड्यूरिंग द स्टॉप बिट्स। और जब उसको दोनों स्टॉप बिट्स मिलेंगे उसके बाद वो प्रिंट स्टार्ट कर देगा। द स्टॉप बिट्स परफॉर्म 2 फंक्शंस। पहले क्या क्या फंक्शंस, वो 2 फंक्शंस है। तो पहला फंक्शन क्या है, दे अलाउ सफिशियंट टाइम फॉर द प्रिंटर टू प्रिंट कैरेक्टर। तो वो पहला जो स्टॉप बिट्स है उसमें क्या हो जाएगा, एक टाइम मिलेगा उसको प्रिंटर को वो पूरा कैरेक्टर प्रिंट करने के लिए। ओके, एंड दे लीव द ट्रांसमिट लाइन इन मार्क पोजिशन एट द एंड ऑफ दिस कैरेक्टर। ओके, तो एक ट्रांसमिट लाइन देगा मार्क पोजिशन पे वो जब पूरा कैरेक्टर कंप्लीट हो जाएगा। ओके, यहाँ पे दिया हुआ है, देखो स्टॉप बिट से यहाँ पे दिया हुआ मार्किंग लाइन दिया हुआ है। ओके, तो इसलिए क्या हो जाता है, वो प्रिंटर को वहाँ पे टाइम मिल जाता है वहाँ पे प्रिंट करने के लिए और देन वो ट्रांसमिट करने के लिए। तो यही है सीरियल डेटा ट्रांसमिशन का प्रोसेस। देन नेक्स्ट देखते हैं, सीरियल हमने क्या देखा, अभी डेटा ट्रांसमिशन देखा, अभी नेक्स्ट है हमारा डेटा रिसेप्शन, सीरियल डेटा रिसेप्शन। तो डेटा ट्रांसमिट तो हो गया, अभी रिसीव कैसे करें। देन सीरियल डेटा रिसेप्शन द प्रोग्राम्स बिगिंस विथ रीडिंग द इनपुट पोर्ट, द प्रोग्राम बिगिंस विथ रीडिंग द इनपुट पोर्ट। इनपुट पोर्ट को का प्रोग्राम यहाँ पे स्टार्ट होगा। व्हेन नो कैरेक्टर इज बीइंग रिसीव्ड, अगर कैरेक्टर रिसीव नहीं हो रहा है यहाँ पे, द इनपुट लाइन स्टेज हाई। अगर जब तक कोई कैरेक्टर अगर मिल नहीं रहा है तब तक इनपुट लाइन क्या होगा, यहाँ पे हाई पे रहेगा। ओके, द प्रोग्राम स्टेज इन द लूप एंड कंटिन्यूस टू रीड द पोर्ट, मतलब रीड का प्रोसेस यहाँ पे स्टार्ट रहेगा, मतलब लो रहेगा तब तक। ओके, कब तक, जब तक स्टार्ट बिट नहीं हो जाता इज रिसीव, स्टार्ट बिट जब तक मिलेगा नहीं तब तक। देन नेक्स्ट क्या है, देखो व्हेन द स्टार्ट बिट इज रिसीव्ड, स्टार्ट बिट एक बार मिल गया, इट वेट्स फॉर हाफ द बिट टाइम, मतलब जितना बिट टाइम है उसके हाफ टाइम के लिए वो वेट करेगा। एंड सैम्पल्स दी कैरेक्टर, कैरेक्टर को वो सैम्पल करना, मीन्स रीड करना स्टार्ट कर देगा। इन द मिडल ऑफ द पल्स रैदर देन, जब तक पल्स के मिडल में नहीं पहुंचा तब तक, एट द बिगिनिंग टू अवॉइड कैरेक्टर एरर्स इन ट्रांजिशन। तो क्योंकि जो एरर्स रहेंगे उसको अवॉइड करने के लिए। इन द नेक्स्ट ब्लॉक, नेक्स्ट ब्लॉक में क्या करेगा वो, इट इनिशलाइज द काउंटर टू काउंट 8 बिट्स। 8 बिट्स को काउंट करने के लिए वो इनिशलाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट कर दिया। एंड क्लियर्स ए रजिस्टर टू सेव द पार्शियल रीडिंग्स। तो पहले क्या कर देगा, वो रजिस्टर्स को पहले क्लियर कर देगा, क्योंकि उसको जो रीडिंग्स रहेंगे उसको हाफ पार्ट तक वो रीड कर लेगा,
उसको सेव करने के लिए वो वहाँ पे रजिस्टर्स को यूज़ करेगा। तो प्रोग्राम रीड्स द इनपुट पोर्ट एट द इंटरवल ऑफ बिट टाइम अंटिल इट रीड्स ऑल द कैरेक्टर बिट्स। तो प्रोग्राम जो रहेगा वो रीड करेगा इनपुट पोर्ट को इंटरवल तक, मतलब हाफ पार्ट तक, ओके, जब तक वो पूरा कंप्लीट कैरेक्टर बिट्स को ये नहीं करता। एंड देन लास्ट में वो क्या करेगा, इग्नोर्स द लास्ट टू बिट्स बाय जस्ट वेटिंग फॉर बिट टाइम्स। लास्ट टू बिट्स मतलब वो क्या रहेंगे, वो स्टॉप बिट्स रहेंगे, इसलिए उसको इग्नोर कर देगा। द कैरेक्टर रिसेप्शन बिगिंस ऑल्सो विद द LSB, मीन्स LSB से करेगा, मतलब D0 से। दैट मीन्स द माइक्रोप्रोसेसर विल रिसीव बिट D0 फर्स्ट, ओके। तो माइक्रोप्रोसेसर को पहले D0 बिट्स मिलेगा। द डेटा लाइन D7 इज यूज फॉर रिसेप्शन के लिए। द लाइन D7 प्रोवाइड सम प्रोग्रामिंग कन्वीनियंस फॉर सीरियल टू पैरेलल कन्वर्जन, ओके, उसके लिए होगा। द वर्ड कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग दिस ऑल दिस ASCII कैरेक्टर्स, ओके, एंड इवेंचुअली LSB विल रीच टू द रिसीवर, ओके। इस तरह से फिर हमारा जो LSB वहाँ पे पहुँच जाएगा। इस तरह से पूरा डेटा रिसेप्शन मतलब रिसीविंग का प्रोसेस यहाँ पे पूरा होगा, सीरियली हम डेटा रिसीव करेंगे। देन क्या है, 8085 सीरियल इनपुट आउटपुट लाइन्स। तो इसमें दो तरह की लाइन्स है, SOD एंड SID, यदि सीरियल आउटपुट डेटा एंड सीरियल इनपुट डेटा, इस तरह के दो लाइन्स है, ओके। देखो सीरियल आउटपुट डेटा है एंड दूसरा जो है उसको बोलते हैं सीरियल इनपुट डेटा। डेटा ट्रांसफर इज कंट्रोल थ्रू टू इंस्ट्रक्शन, उसके लिए दो इंस्ट्रक्शन भी है, दैट इज सीम एंड रिम। दैट इज हमने देख लिए ये इंस्ट्रक्शंस, ओके। इंस्ट्रक्शन सीम एंड रिम आर यूज फॉर, हमने 8085 में इस पर स्टडी किया था, ओके। तो सीम एंड रिम आर यूज फॉर टू डिफरेंट प्रोसेसेस, इंटरप्ट एंड सीरियल इनपुट आउटपुट। ये दो प्रोसेस है, इंटरप्ट का भी और सीरियल इनपुट आउटपुट का, दोनों के लिए यूज होते हैं। देन दीज इंस्ट्रक्शंस हैव ऑलरेडी बीन डिस्कस्ड इन कॉन्टेक्ट, मतलब हमने 8085 में इसको डिस्कस कर लिया था, हमने देखा था। अभी क्या हमें देखना है इसमें सीरियल इनपुट आउटपुट के लिए कैसे यूज होते हैं वो देखेंगे। सीरियल आउटपुट डेटा SOD, देखो इसमें क्या है, द इंस्ट्रक्शन सीम जो है वो इंस्ट्रक्शन इज नेसेसरी टू आउटपुट डेटा सीरियली फ्रॉम दी SOD लाइन। तो हमारा सीरियल आउटपुट डेटा लाइन है, उसके लिए हमें सीम की ज़रूरत पड़ेगी, सीम इंस्ट्रक्शन। इट कैन बी इंटरप्रेटेड फॉर सीरियल आउटपुट, ओके, यहाँ पे फिगर में दिया गया है। देन इंस्ट्रक्शन इन दिस सेट द सीरियल आउटपुट लाइन इज एनेबल्ड बाय रोटेटिंग 1 बिट पोजिशन D0, ओके ना, बिट पोजिशन D6 है, ओके ना, ये जो DC लिखा है यहाँ पे एक्चुअल में D6 होना चाहिए, ओके, समझ लो, ठीक है। तो जो है D6 है वो हमारा सीरियल डेटा एनेबल है, SDE लिखा हुआ है, ओके। तो इसको पहले हमें 1 करना पड़ेगा, उसके बाद ये प्रोसेस स्टार्ट होगी, ओके। सीरियल ये जो डेटा आउटपुट में आने का, आउटपुट डेटा ये जो स्टार्ट होगा ये प्रोसेस, वो कब, D6 जब 1 हो जाएगा तभी, तब तक वो इनेबल नहीं होगा। इंस्ट्रक्शन सीम आउटपुट्स द कैरी बाइट थ्रू बीट पोजिशन D7, तब हम इंस्ट्रक्शन डालोगे सीम, तभी कैरी बीट में मतलब पोजिशन D7 पे वो सेट हो जाएगा D7, ओके। तो यहाँ पे देखो एक प्रोग्राम लिखा है MVI A80H, तो इसमें क्या हो जाएगा, जो हमारा D7 बीट है वो पहले सेट हो जाएगा, मतलब एक्यूमेटर में कैरी आ जाएगा, देन उस 1 हो जाएगा तो वो कैरी को बाद में D7 में लाएगा, देन सीम यूज़ करेंगे। देन सीम हमारा जो इंस्ट्रक्शन है उसमें क्या हो जाएगा, आउटपुट D7 का जो होगा वो आउटपुट में आ जाएगा। इस तरह से सीरियल आउटपुट डेटा यहाँ पे वर्क करेगा, ओके। और उसके आगे के बीट्स है, D5 यहाँ पे अनसाइंड है, मीन्स यूज़ नहीं हो रहा है, और D4 D3 D2 D1 D0 ये सब इंटरप्ट के लिए यूज़ हो रहा है। देन सीरियल इनपुट डेटा लाइन्स, दैट इज SID, तो ये एक्चुअल में, तो सीरियल इनपुट डेटा लाइन्स देखो यहाँ पे क्या है एक्चुअल में, तो यहाँ पे इंस्ट्रक्शन रिम यूज़ कर रहे हैं, पहले में हमने आउटपुट डेटा लाइन्स में SIM यूज़ किया था, अभी इसमें RIM यूज़ कर रहे हैं, रिम यूज टू इनपुट सीरियल डेटा थ्रू द SID लाइन्स। तो वैसे जिससे वहाँ पे SOD यूज़ कर रहे थे वैसे यहाँ पे SID के लिए यूज़ हो रहे हैं। रिम कैन बी इंटरप्रेटेड फॉर सीरियल इनपुट आउटपुट एज शोन इन फिगर, जो इस फिगर में शो किया है कैसे वो यूज़ हो रहा है, तो वही चीज़ है, यहाँ पे D7 बिट यहाँ पे SID के लिए यूज़ हो रहा है, ओके। और बाकी सब इंटरप्ट स्टेटस के लिए यूज़ हो रहे हैं D6 से लेके D0 तक, एंड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सीरियल इनपुट आउटपुट जो हमने देखा था, इंस्ट्रक्शन रिम इज सिमिलर टू इंस्ट्रक्शन IN, मीन्स IN जो सीम है उसके, इंस्ट्रक्शन रिम इज सिमिलर टू इंस्ट्रक्शन IN, ओके, एक्सेप्ट रिम रीड्स ओनली 1 बिट एंड प्लेसेस इट इन द एक्यूमुलेटर एट D7 पे वो यहाँ पे प्लेस करेगा। देन द SID एंड SOD लाइन्स इन द 8085
इलिमिनेट द नीड फॉर एन इनपुट पोर्ट. तो क्या एस आई डी एंड एस ओ डी लाइन्स हैं वो एक्चुअल में 8085 के लिए जो उसके यूज़ करने की जो नीड थी उसके लिए ये उसको इलिमिनेट कर देगा पूरी तरह से. ओके, सॉफ्टवेयर कंट्रोल्स में हम लोग इसको यूज़ करते थे ज़्यादातर. ओके, वो अभी यूज़ नहीं करना पड़ेगा. इसेंशियली एस आई डी इज़ अ वन बीट इनपुट पोर्ट एंड एस ओ डी इज़ अ वन बीट आउटपुट पोर्ट है. ओके, वो एक चीज़ है कि ये वन बीट का ही है खाली. ठीक है, सिमिलरली इंस्ट्रक्शन रीम इज़ इक्विवेलेंट टू वन बीट, वो भी वन बीट आई एन इंस्ट्रक्शन था. एंड इंस्ट्रक्शन सिम इज़ इक्विवेलेंट टू अ कंडीशनल वन बीट आउट इंस्ट्रक्शन था वो. ठीक है, तो ये यहाँ पे दिखाया गया. देखो एस आई डी लाइन से सीरियल इनपुट डेटा है और ये सीरियल ये इंटरप्ट स्टेटस के लिए ये है डी सिक्स से लेकर डी जीरो बिट से. तो यही चीज़ है. सो और दिस इज़ कम्प्लीट सीरियल इनपुट आउटपुट डेटा. और इस तरह से ये हमारा सीरीज कम्प्लीट हो रहा है. सो आई होप यू हैव क्लियर्ड ऑल दिस थिंग्स अबाउट दिस टुडेज लेक्चर. थैंक यू वेरी मच.